एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज आप लोगों को एकदम कम तेल में बहुत ही हेल्दी सा ब्रेकफास्ट दिखाने वाली हूँ दलिया की, जिसके लिए मैंने लिया है एक प्याज, आधा टमाटर, कड़ी पत्ता और तीन छोटे छोटे हरी मिर्च जो कि ज़्यादा झाल नहीं थे। और यहाँ पर मैंने लिया है एक कप दलिया जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है। कढ़ाई के गर्म होते या मैं हाई कर रही हूँ, आप लोग भी मुझे थोड़ा हाई कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए एकदम छोटा सा चम्मच है, 1 टीस्पून का भी नहीं है और ओवरऑल मैंने 1 टीस्पून भी नहीं डाला था, उससे भी कम ही था ये। और उसमें मैंने थोड़ा सा सरसों डाल दिया और उसके अच्छे से चटकने के बाद मैंने उसमें डाल दिया कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। इसको थोड़ा सा 5-7 सेकेंड के लिए मैंने स्टेयर कर लिया। उसके बाद मैंने डाल दिया प्याज, प्याज में थोड़ा सा नमक भी डाल दिया ताकि वो प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और प्याज के गोल्डन ब्राउन होते ही मैंने उसमें ऐड कर दिया टमाटर, और टमाटर के साथ ही मैंने डाल दिया उसमें आधा चम्मच हल्दी और हल्दी को अच्छे से उसके साथ मिक्स कर लिया। प्याज को और टमाटर को और थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए उसमें मैंने थोड़ा सा पानी, एकदम आधा कप का भी आधा कप पानी डालकर उसको मिक्स कर लिया ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। टमाटर के गलते ही मैंने उसमें दलिया को डाल दिया और अच्छे से उसको मिक्स कर लिया। एंड आई एम रियली सॉरी कि आप लोग को बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आ रही होंगी। तीन एक्चुअली अभी दिन का टाइम है ना, तो बहुत सारे लोग रास्ते में सामान बेचने के लिए निकले हुए हैं, घरों में खाना बन रहा है, तो कुकर की सीटियाँ, बहुत कुछ आवाज़ें आएंगी। अच्छा चलो, उसके बाद मैंने एक कप पानी डाल दिया था यहाँ पर, और उसके बाद 15 मिनट के लिए आपको उसको ढक कर रखना है। 15 मिनट के बाद उसको आप निकालें। और अगर आप लोग को जैसे मुझे इतना सूखा इस कंसिस्टेंसी का पसंद है, तो मैंने प्लेन ही इतना सा निकाल दिया और मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच और नमक डाला है यहाँ पर। आप अपने हिसाब से नमक डालिएगा। ये मैंने अपने लिए प्लेट निकाल ली क्योंकि इसमें इसी कंसिस्टेंसी का खाती हूँ, बट मेरी मम्मी को थोड़ा सा और लिक्विड ही पसंद है, तो यहाँ पर मैंने आधा कप पानी डाल दिया था। और फिर अच्छे से जैसे ही वो उबल गया तो मैंने उसे गैस को बंद कर दिया। और साइड में मैं अपनी मम्मी का डायबिटिक प्रोटीन पाउडर भी मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मम्मी अभी शॉप में है। हम लोगों का एक क्लोथिंग का यानी कि लेडीज़ कॉर्नर काइंड ऑफ का एक शॉप है, तो वहाँ पर मम्मी रहती है मोस्टली, तो मैं मम्मी के लिए यहाँ टिफ़िन पैक कर रही हूँ। आज मेरी छुट्टी है तो मैं आज घर पे ही खाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने प्रोटीन पाउडर को थर्मस में निकाल लिया, मम्मी का दलिया भी मैंने टिफ़िन में पैक कर दिया, बस हो गया आज का नाश्ता रेडी। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।